आपके लिए और आपके लिए भी, मतलब ये जो किरदार आप लोगों ने निभाए हैं आपकी असल जिंदगियों से बिल्कुल मुख्तलिफ, 180 डिग्रीज ऑपोजिट। मतलब आप ना ज़ेरा की तरह असल जिंदगी में दिखती हैं अपेरेंस वाइज, ना आप ज़ेरा की तरह एक दबी हुई खातून या लड़कियाँ, बिकॉज माशाल्लाह एज वी नो यू, यू आर वेरी एम्पावर्ड, आप धड़ल्ले से काम भी करती हैं अपना सारा, आप यू नो यू वेरी इंडिपेंडेंट। फिर आपकी आवाज ऐसा नहीं है कि जी, दो बच्चों को पालती भी हो, दो बच्चों को पालती है माशाल्लाह, वो एक कॉमरे के मास्टर और एक मास्टर शॉट लगा उसमें मोमल खड़ी है, तमाम मर्द हाथ जोड़े बैठे। किरदार बिल्कुल ऑपोजिट। एंड अगेन यू माशाल्लाह एज अ फादर टू अ डॉटर, और बड़ा एक डेडिकेटेड फादर, और माशाल्लाह आपकी, आपके बारे में सबको पता है, अगेन आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में सबको पता है। ये कितना मुख्तलिफ होता है भाई, या कितना डिफिकल्ट होता है, कितना चैलेंजिंग होता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आना है जो आप नहीं है, और परफॉर्म भी ऐसे करना जो आप नहीं है? आई थिंक सो, इसी का नाम एक्टर है, राइट? एंड दैट्स, इसी का नाम एक्टर नहीं है, इसी का नाम अच्छा एक्टर है, इसी का वो, थैंक यू, अगर आप समझते हैं हम अपनी सोलो ये बनावे, सोलो गाइए भाई, इसी चीज के तो पैसे होते हैं। भाई पैसे इसी बात के हैं, दुनिया भर में कहीं भी कोई भी अदाकार हो, अगर वो अपना आप लेकर आ गया है, फायदा क्या, तो फिर किस बात, क्या फायदा हुआ? लेकिन एक बात, अपना दिमाग लेके आना है आपने। अच्छा सॉरी, जो 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 स्टार भी होता है ना, वो भी एक फसाद की एक्टिंग ही कर रहा होता है, वो असली में वो नहीं होता, जो असल शख्स है वो तो शायद हम, तो कुछ लोग स्टार बनने में एक्टिंग ज्यादा कर लेते हैं। और आप तो इतने लोगों को इंटरव्यू करते रहे, इतनी आपकी 50वीं एपिसोड है, आपको पता चले होंगे लोग इंटरव्यू में भी आके एक्टिंग कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी ओके ओके ओके, अभी एक्टिंग नहीं की मोमेंट देख ले, कभी नहीं की, अपनी जात की नफी तो अदाकारी है, वरना फिर एक बड़ी जबरदस्त बात जो रजिया के बारे में आई एम श्योर आप लोग भी सब अप्रिशिएट करेंगे, यार 6 किस्तों की सीरीज, मिनी 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 स्मॉल सीरीज ड्रामे, 60 एपिसोड्स में वो नहीं अचीव कर पाते हमारे मुल्क में जो रजिया ने 6 एपिसोड में, इसमें एक और बता लिया, इसकी क्या खास वजह आपकी नजर में? मेरी नजरिए में वुड यू अग्री के जितना फीडबैक आप लोगों को रजिया के ऊपर मिला इन 6 किस्तों का, शायद रिसेंटली जो आपने कोई कई ड्रामे जो आप लोगों ने 6 एपिसोड में अचीव, इवन 30 इज बिकॉज देयर इज रीजन हसन, द रीजन इज के आपका जो ड्रामा सीरियल होता है वो एक तरफ नहीं होता, उसके कई शाखें होती हैं, तो आपका ना ध्यान बटा हुआ होता है कि अच्छा अब इसके ऊपर भी कहानी चल रही है, इसके ऊपर भी चल रही है, इसके ऊपर भी चल रही है, इसके, दिस वॉज लाइक राइट एट रजिया, दैट्स इट, कि कॉन्सेंट आपकी नज़र को हटा ही नहीं सकते थे, मीन्स ऑडियंस की नज़र को। अच्छा, ऐसा नहीं था कि और किरदार नहीं थे, या मन्नू की कहानी नहीं थी, या मन्नू फील नहीं किया आपने, या टू सम एक्सटेंट माँ का कैथारसिस क्या है, बाप क्या है, किस तरह के हैं दोनों, खड़े हुए स्कीम भी कर रहे हैं, फिर भी रजिया की कहानी है, फिर भी नरेटर आ रहा है, द ट्रिक जो थी वो स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट को इस तरह बयान था कि थोड़ा पोर्शन नरेशन में है, आधा वॉइस ओवर में है, बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऊपर छोड़ी गई है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो फिल इन द गैप्स कर रही है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली रिटन। आप लोगों के कोई फेवरेट सीन्स या फेवरेट डायलॉग्स हैं सीरीज में जो आपको बहुत पसंद आए करते हुए भी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, एक मेरा बहुत ही फेवरेट सीन है जिसमें मैं बहुत इमोशनल हुई थी, जब रजिया के साथ मेरा सीन था और उसकी शादी हो रही थी। ओह माय गॉड, आज यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा आया है जी। तो मेरा फेवरेट सीन था जब रजिया की शादी हो रही होती है, एंड वो मदर डॉटर वाला सीन है कि वो उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही और कहना भी चाह रही है लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो उसको बोल रही है, और वो बेटी तो ठा ठा उसको रियलिटी फेस करा रही है माँ को। दैट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड वन मोर थिंग जो मुझे मज़ा आया करके, जब मैंने बेडशीट उगाएगी यार असल में मारी है आपने एक दो शॉट्स, एक दो तो लगी होंगी, एक दो तो लगी होंगी, एक्चुअली होंगी, नो सो एक्चुअली मुझे मोहसिन सर कह रहे थे कि आपने मारना है, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बच्चे को कैसे, मोहसिन चलते हुए आए कंधे पे हाथ रख के बोला कूट दो
हाँ आई स्वेयर ये प्रोमो लगाना हाँ मिल गया हाँ कूट दो कूट मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती आप कैसी बातें कर रहे हैं हाय मैं मर जाऊं ऐसे बोलो कुछ ऐसे ही नहीं बीच में पड़ी होंगी उसको लाजमी पड़ी बट हाँ उन्होंने कहा कि थप्पड़ जहाँ मैं खड़ा हूँ उसने मारा है उसको नहीं तो टेक्निकल आई थिंक वो असली था आई थिंक सो उसके बैक पे कुछ बांधा भी था अच्छा चलो दिल बहलाने को गालिब नहीं मैं बता रही हूँ चलो तुम्हारे लिए कहा है कि बैक अच्छा, पे बांधा आपका आपका फेवरेट कौन सा था आपका फेवरेट कौन सा मेरा फेवरेट डायलॉग है जब अम्मा आखिर में पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है कहती मेरा नाम रजिया कहता एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स इज जो आपका आखिरी शॉट है और मोहिब के ऊपर यूं कैमरा जाता है और जो मोहिब ने एक्सप्रेशन दे दिया ना यार मोहिब के उस एक्सप्रेशन के लिए तालियां बट मोहिब का मेरा फेवरेट सीन है जब वो चाकू लेने के लिए जाता है दैट्स अ वन टेक सीन दैट ही डिड इट हिमसेल्फ ठीक है और वो उन्होंने कहा कि दोबारा होना है एंड ही डिड दैट एग्जैक्टली द सेम वे क्योंकि मैंने कहा क्योंकि वो रियलिटी लगना शुरू हो जाती है ना तो आपको मजा भी आता है फिर वो आप सीन करने में द वे ही डिड दैट एंड दैट वाज वन टेक सीन कि वो गया है और उसने सब कुछ धड़न धड़न चाकू ढूंढने के लिए एंड द कैमरा इज जस्ट लाइक देयर एंड वो लेते हुए बाहर आया है ब्रिलियंट दैट वाज ब्रिलियंट एंड मोमल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा बिकॉज आई नो यू पर्सनली एंड एवरी शॉट एवरी सीन आई हैड न्यू फाउंड अप्रिसिएशन फॉर यू बिकॉज यार यू वर वही मैं कह रहा हूँ पोल्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट शी इज इन रियल लाइफ और आप देख सकते हैं ख्वातीन ओझा देखें असल जिंदगी में मोमल शेख को स्क्रीन पे ये क्या बन के आई टीनेजर की जब कह के जाती है ना रजिया माँ को कि लाश उठ रही है तो खामोशी में जो अच्छे एक्सप्रेशन से यार बड़ा मजा थैंक यू